अभी इधर जगह दही बड़ा निकाले हम, कोई आया है अभी हम आपको मिलाते हैं दिखाते हैं। और बड़े अबू सब मजे में हैं? अल्लाह का शुक्र है, हमारी दुआएं हैं। हाँ बड़ी मी नेहा आई है, तब अभी मैडम को टाइम मिला है। और ये तफक आई है आज, युश्रा नहीं आई, युश्रा खाना खा रही। तफक अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। यास्मीन डेली लाइफ में आप सबका स्वागत है। और जैसे कि ईद का सेकंड डे है, ब्लॉग हम अभी शाम से शुरू किए हैं, अभी से जो भी करेंगे आपसे शेयर करेंगे। मेरी वीडियो को फुल देखिए, स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और ये युश्रा आई है, हाय बोल दो। कितनी बार झूला झूली युश्रा? और क्या ली हुई हो हाथ में? क्या अभी सो उठी हो? हाँ। पापा के साथ गई घूमने? नहीं अभी, चलो ठीक है, हम आएंगे फिर तब जाएगी। हाँ तब तफक जाएगी। तुमको काजल कौन लगाया है? मम्मी। मम्मी सुबह में तैयार करके बाहर भेजी। चलो ठीक है। कितनी आइसक्रीम खाई अभी तक? बहुत सारी। हम भी खाए बहुत सारी। और युश्रा कितनी ईदी बाकी है मेरी तरफ से? ले लोगी तो नहीं चलेगी? चलेगी। काहे चलेगी? तुमको तो बोलना चाहिए नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। चलो ठीक। और अभी आज भी हम लोग अफ्तार किए हैं क्योंकि अम्मी रोजा थी, उनके साथ हम लोग भी अफ्तार किए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक हो। आपकी रोजा थी ना? आप इंशाल्लाह रोजा थे अल्लाह की रहमत से। और हम बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं, अभी बच्चे लोग आने वाले हैं, पता नहीं आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। और अभी हम कहे थे ना कि कोई आने वाला है, उसका वेट कर रहे हैं, लोग आ चुके हैं और इनकी आने की बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी गुजरी आपकी? मेरी आप सबको ईद मुबारक। आप सबको ईद मुबारक गाइस। आरिश तुम इतनी काली क्यों लग रही हो आज? नहीं पता, सारा दिन खूब खेला है इस वजह से। सारा दिन खेला है इस वजह से। और अपना परबी से कुछ ला के खिलाया भी है? हाँ झूठी तो गलत बात है, हमको भी खिलाना चाहिए। आंटी को कुछ नहीं खिलाया है बंद खिलाना चाहिए था आपके लिए, दही कुछ के ला रही थी, बंद है दुकान। मेरे पीछे खर्च किया। 200 का क्या खिला दी मम्मी को? एक 100 हम खाए, 100 को मम्मी को खिलाए, मम्मी को हम 50 का रेड वेलवेट का केक खिलाए और चिकन सैंडविच खिलाए। चलो ठीक है, पर मेरी बाकी है ठीक है। आपको आइसक्रीम खिलाए? नहीं आइसक्रीम और मत खिलाए, फेमस हो गया आइसक्रीम नहीं खाएंगे यार हम, ठीक है? बहुत आइसक्रीम खा लिए कल भी, इतनी आइसक्रीम खाई ना, और आइसक्रीम 5 आइसक्रीम। हाँ वो अब एक भी मंगवा के नहीं खाया है, सब डाला फिर। हाँ सबकी पर भी है आइसक्रीम खाया, तुम क्या है? दो, एक बटर स्कॉच का डब्बा और एक फीस। और सब चॉकलेट आइसक्रीम, मन एकदम ये हो गया मेरा, बस कल फिर आज खा लो। 3 दिन और आइसक्रीम, 3 दिन बना लो है ना। हमको तो बहुत बार देखे होंगे इनके साथ में, पर इसको नहीं देखे। और ये मैडम बैठी। और आज आपा की आइसक्रीम चल रही है? आज मेरा आइसक्रीम पार्टी चल रही है। नेहा को बोले तो नेहा बोले मेरा पराठा चिकन पार्टी। और ये लोग अब जा रही है, इतनी जल्दी आए इतनी जल्दी, फिर भी आप आ गई, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अक्सर टाइम नहीं मिलते।
ईदी मिल चुकी है ना, ठीक है ठीक है ना। हाँ तंजिल भाई को बोल देना आंटी है, वो तो हम आएंगे कल। और ये लग चली गई सब आ जाता, पर सांगी से नहीं मुलाकात हो पा रही। नहीं आप ऐसे तो कितनी बार जब आते नहीं आती जब आती तो, और वो अभी आ भी नहीं पाई, देखते हैं कितनी दिन आएगी। और लाइन का तो हमको बहुत डर लग रही, पर अल्लाह का शुक्र है कि चांद रात से लाइन नहीं गई, कल भी नहीं गई, अभी गई भी तो 5 मिनट में आ गई। लाइन की ही बहुत डर लग रही है, और ये साथ घूम के आया है अभी। हमारी पंजाबी बहुत अच्छी लग रही है, पर कितना झूले झूले आवाज तो पूरी बैठ गई, पर तुम्हारी कितनी आइसक्रीम खा ली बाबू। एक आइसक्रीम में ये हाल है, तीन एक तो इसलिए कहा हाय आरिश भाई आया था तुमसे मिलने मुलाकात ही। तो हम घूमने गए थे। चलो तो तुम थक गए हो ना, थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा एक ठो आरिश मंगा दीजिए। और वीडियो को हम अपना यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।